फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले ब्रिस्टल पेपर की अनबॉक्सिंग, तो चलिए देखते हैं। ये मैंने परचेस किए थे आर्ट लॉन्जन से। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, अगर आप चाहें तो आप भी इसे परचेस कर सकते हैं। एंड आई सी द पैकेजिंग इज रियली गुड। मैंने ब्रिस्टल वेलम पे 300 सीरीज का परचेस किया है। इसमें 20 शीट्स है। इसके पेपर बहुत ही स्मूथ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी ब्रिस्टल पेपर में। ये मेरी कुछ ड्राइंग्स है जो मैंने स्ट्रेट मोड पेपर पे ही ट्राई की है। ये सभी ड्राइंग की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितनी स्मूथ ब्लेंडिंग हो रही है इस पेपर पे। तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मुझे अभी तक के ये सबसे बेस्ट पेपर्स लगे हैं। जितने भी मैंने आज तक परचेस किए हैं उसमें से मुझे सबसे बेस्ट यही पेपर्स लगे हैं। मैंने कुछ ड्राइंग्स कार्ट्रिज पेपर पे भी ड्रॉ की है, तो आप वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कार्ट्रिज पेपर और स्ट्रेट मोड पेपर में क्या डिफरेंस है, कैसा टेक्सचर आता है, क्या स्मूथनेस है। तो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोज़ को लेकर आपके क्या रिव्यूज़ है, तो मुझे जान के बड़ी खुशी होगी। थैंक यू।